नमस्ते, मैं रोशन। आप देख रहे हैं रोशन कंप्यूटर। इस वीडियो में सीखेंगे वॉलपेपर को चेंज करना, या कहिए तो बैकग्राउंड को चेंज करना। तो बैकग्राउंड को चेंज करना सबसे आसान तरीका है कि हम क्या करेंगे, जो फोटो दिखाई देगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फोटो दिखाई दे रहा है, तो फिर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देगा सेट एज बैकग्राउंड। यहाँ पे सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड को क्लिक करेंगे, आराम से ही सेट हो जाएगा। तो जो आपके कंप्यूटर में फोटो सेव करना, यानी कि बैकग्राउंड में फोटो लगाना, सबसे आसान तरीका है, ठीक है। किसी भी फोटो पे जाइए, वहां पे राइट क्लिक कीजिए और आपका लग जाएगा। और किसी भी फोल्डर में हो, अगर मान लीजिए दिस पीसी में है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसको, दिस पीसी को खोलेंगे। मान लीजिए कि हम किसी ड्राइव में फोटो है आपका, तो हम उस फोटो को, जैसे मान लीजिए वीडियो में ही है आपका, यहाँ पे खोलते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए इसी को सेट करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। और सबसे आसान तरीका, हम सेट एज बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि हम सबसे आसान तरीका है कि हम फोटो को जाएंगे, वहां पे चूज करेंगे, वहां पे राइट क्लिक करेंगे, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सेट हो सकता है, ठीक है। अगर हम चाहें तो दूसरे का नियम है कि दूसरे का इसका ऑप्शन है, यहाँ पे जहां भी खाली जगह देख रहे हैं वहां पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। सबसे नीचे आएंगे, सबसे नीचे पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आ जाएंगे आपको डिस्प्ले वॉलपेपर सेटिंग में, और यहाँ पे आ जाएंगे बैकग्राउंड सेटिंग में। या तो यहाँ से पिक्चर करना हो तो पिक्चर कर सकते हैं, स्लाइड शो करना है तो स्लाइड शो, यानी कि कोई सॉलिड कलर देना चाहते हैं तो सॉलिड कलर भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए सॉलिड कलर पे क्लिक किए और देखिए यहाँ पे कलर हो गया, ठीक है। यानी कि जो जो कलर चाहे वो कलर हम देख सकते हैं, यहाँ की जो एक ही कलर हमको देना चाहे तो हम यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम टास्क बार ला सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी दिखाई देगा आपका प्रीव्यू, जो आपको कैसा डिजाइन रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पिक्चर करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिक्चर पर क्लिक करेंगे और जो भी पिक्चर लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। यहाँ से हम पिक्चर को बदल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए बदल गया, ठीक है। अब और दूसरा पिक्चर लगाना चाहे यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। और आपके कंप्यूटर से ही कहीं लगाना है तो यहाँ पे ब्राउज करेंगे, और ब्राउज के बाद हम यहाँ से आपको सर्च करके हम लगा सकते हैं, यानी कि आपके ब्राउज में जहां भी है सेटिंग, मान लीजिए इसी को है लगाना, इस पे क्लिक किए हम, चूज पिक्चर पर क्लिक किए, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लग जाएगा फोटो, ठीक है। यहाँ पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो आपका फोटो है उसको हम कितना साइज देख सकते हैं, या फिल कर सकते हैं, या फिट कर सकते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं। अगर फोटो छोटा रहता है तो क्या हो जाता है, कट जाता है, चार भागों में हो जाता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं या स्ट्रेच कर सकते हैं उसको, ठीक है। यानी कि उसके अनुसार से हम उसको सेंटर में कर सकते हैं, यहाँ से सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि बीच में कर सकते हैं, तो अपने अनुसार से यहाँ पे फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सीखे बैकग्राउंड में फोटो लगाना, या बैकग्राउंड के एक ही कलर को डालना, हम विंडोज 10 में ही सीख रहे हैं, ठीक है। विंडोज 10 में वॉलपेपर को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वॉलपेपर को चेंज करने का सबसे आसान तरीका है कि किसी भी फोटो को जब लगाना है तो उस फोटो को खोलेंगे और राइट क्लिक करेंगे, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, तो क्या मेरा वॉलपेपर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और आपका दूसरे का ऑप्शन है कि हम किसी भी डिस्प्ले, खाली डिस्प्ले पर राइट क्लिक करेंगे और सबसे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हम सॉलिड कलर देना चाहते हैं, यानी कि एक ही कलर देना चाहते हैं, एक ही कलर देना दे सकते हैं। स्लाइड देना चाहे तो स्लाइड दे सकते हैं, स्लाइड का मतलब होता है कि स्लाइड दे देंगे, दो चार फोटो जो यहाँ पे चूज किए हुए रहिएगा वही फोटो बार बार थोड़ा थोड़ा देर पर बदलते रहेगा, ठीक है। तो और यहाँ पे पिक्चर पर क्लिक करके हम ब्राउज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सीखे कि वॉलपेपर चेंज कैसे कर सकते हैं, बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर या बैकग्राउंड दोनों बात सेम रहा, ठीक है।